भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने के लिए देश भर में व्यापक तैयारियां की। इस मौके पर 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत विभिन्न सामाजिक व सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में भी सेवा सप्ताह के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन साई कन्या इंटर कॉलेज में किया गया। यहां बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने छात्राओं को स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक मुक्त और पानी संरक्षण को लेकर शपथ दिलाई। साथ ही छात्राओं को जागरूक भी किया। उन्होंने जल संरक्षण किस तरह से किया जाएगा इसकी भी जानकारी छात्रों को दी। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण से पानी का दुरुपयोग होने से बचाया जा सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री के जीवन एवं उनकी उपलब्धि पर आधारित प्रदर्शनी में आम जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर अब तक के जीवन और गुजरात से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक सफर और सेवा कार्यों की जानकारी चित्रों के माध्यम से दी। देश विदेश में उन्हें मिले सम्मान और उपलब्धियों को भी जनता के साथ साझा किया गया। इसके बाद डॉक्टर विशेष गुप्ता लाइन पास स्थित सैन्य धर्मशाला पहुंचे और रिबन काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहां प्रदर्शनी देखने आए बच्चों ने मोदी मोदी के जमकर नारे लगाए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी छात्रों ने जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। असल में आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस है। आज 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार के कार्यक्रम के साथ मनाया जाता है, लेकिन सेवा सप्ताह इस बार प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिवस है वो पूरा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जो 14 से शुरू हुआ है और ये 20 तक चलेगा। इसमें कम से कम 3 गतिविधियां बहुत खास हैं जो केंद्रीय और प्रदेश कार्यालय ने तय की हैं कि एक तो इसमें कार्यक्रम ये होगा कि जो जल हमारा धीरे धीरे जल का क्षरण हो रहा है, जल का संरक्षण कैसे हो, जल का संवर्धन कैसे हो, स्वच्छता का अभियान कैसे चले, और ये जो तमाम आप देख रहे हैं कि इतने लोग आज प्रदर्शनी जिसमें हजारों लोग बच्चे और सभी मंडल कार्यकर्ता हमारे संयोजक सभी ने जिस प्रकार से प्रदर्शनी को आज इसे बेहतर बनाया है, इसमें एक संदेश ये है कि कार्यकर्ता किस प्रकार से अपने विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए किस प्रकार से एक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, कैसे कार्यकर्ता के रूप में हमें काम कर सकता है, कैसे समाज की समस्याओं से जुड़कर उसके कैसे तमाम समाधान ढूंढ सकता है। कश्मीर को आपने देखा होगा, अभी पूरी दुनिया में अभी हाल ही में याद है कि 370 धारा को हटाना और 35A को हटाना किस प्रकार से कश्मीर को किस प्रकार से बेहतर बनाने के लिए, कश्मीर के तमाम लोगों को सुविधाएं देने के लिए, वहां के बाल्मीक समाज को उठाने के लिए, सारी सुविधाएं दिलवाने के लिए जिस प्रकार से कार्य किया है, पूरी दुनिया में हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी शाख किसी प्रधानमंत्री की अभी तक पूरी दुनिया में नहीं है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिसका जन्मदिवस केक काट कर नहीं बल्कि समाज के साथ समस्याओं से जुड़कर उनका हल ढूंढकर समाज के लोगों के बीच में कार्यकर्ता का संदेश देकर जिस प्रकार से आज ये प्रदर्शनी लगाई गई है, तो मैं बधाई देता हूँ यहाँ के महानगर और यहाँ के जिला के जो भी संयोजक रहे, जो भी जिलाध्यक्ष रहे, महानगर के जो भी तमाम मंडल के अध्यक्ष रहे, कार्यकर्ता रहे, कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिस प्रकार से सेवा सप्ताह को पूरे प्रदेश में उठाने का काम किया है, स्वच्छता का काम किया है, तमाम प्रकार के वृद्धा आश्रम में जाकर फल वितरण का काम किया है, अस्पताल में गरीब और तमाम मरीजों की सेवा करने का काम किया है, अपने इलाके को स्वच्छ रखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ये सेवा सप्ताह का बहुत बड़ी उपयोगिता सिद्ध होती है और इससे देश में संदेश गया है कि हम सभी अपनी विदेशी संस्कृतियों से दूर हटकर अपने बर्थडे को मनाने के लिए, जन्मदिवस को मनाने के लिए अपने बुजुर्गों को याद करें, हम तमाम सेवाश्रम में जाएं, हम बाल आश्रम में जाएं, हम समाज की सफाई करें, अपने व्यक्तित्व का संदेश दें, तो इससे बड़ा संदेश और क्या होगा किसी बर्थडे पर कि एक प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को हमने समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए, चाहे वो जल से जुड़ी हुई, चाहे वो वृद्धाश्रम से वृद्धों से जुड़ी हुई समस्या हो, चाहे वो जल के संवर्धन की हो, स्वच्छता की हो, तो मुझे लगता है कि महानगर ने या प्रदेश ने जिस प्रकार से सेवा सप्ताह का आयोजन किया है उस सेवा सप्ताह के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के बीच में एक नया उत्साह पैदा हुआ है, नया जोश पैदा हुआ है कि हम केवल पार्टी का तो काम करेंगे लेकिन हम समाज की समस्याओं को भी नज़दीक से देखेंगे और उनको हल करने के भी प्लान बनाएंगे और ऐसे महान व्यक्तित्व से हम संदेश लेकर
हम पूरे देश में जाएंगे और इस देश को और बेहतर बनाने में हमेशा अपने प्राणपण से कार्य करते रहेंगे। तो मेरी बधाई तमाम महानगर के संयोजकों को, महानगर के अध्यक्ष को, यहाँ जिला के अध्यक्ष को, तमाम उन कार्यकर्ताओं को जिसने नीचे के लेवल पर रहकर अपना कंधा लगाकर नींव बनने का काम किया है। कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इसी प्रकार से जुड़कर आपसी संवाद बनाकर अपने उच्च अधिकारियों से, अपने पदाधिकारियों से संवाद बनाकर इस पार्टी के संगठन को और बेहतर बनाने में और समाज की समस्याओं को दूर करने में हमेशा काम करते रहेंगे। आज देखिए सीधा सवाल है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी के तमाम आपने देखा होगा कई सौ बच्चे आज विद्यालयों के आए हैं, लड़कियां आई हैं और चार दिन तक बराबर सारे विद्यालयों के बच्चे आएंगे, समाज के लोग आएंगे। तो अगर कुछ लोगों ने भी ये समझा कि हमें पानी बचाना है, हमें अगर सड़क पर टंकी टूटी पड़ी है तो उसको बंद करना है, घर के आरओ में अगर पानी हमारा निकल रहा है तो उस पानी का हमें सदुपयोग करना है, हमारी एसी से पानी अगर गिर रहा है तो हमें उसका संवर्धन उसका करना है, समाज में सफाई अगर करने का काम है, तो बच्चे चूंकि बहुत गंभीर होते हैं, चीज़ों को नज़दीक से देखते हैं, इसलिए कोशिश ये है कि जहाँ पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रदर्शनी से संदेश ले, वहीं समाज के तमाम लोग, बड़े लोग, छोटे लोग, कार्यकर्ता सभी सोचना शुरू करें कि हमें जल बचाना है, हमें सफाई करनी है, हमें समाज के तमाम वृद्धों का ध्यान रखना है, हमें तमाम उन लोगों का ध्यान रखना है जो समाज के आखिरी छोर पर रहते हैं। तो ये संदेश प्रदर्शनी का केवल चित्रों का संदेश नहीं है, बल्कि चित्रों के माध्यम से उस महान व्यक्तित्व का संदेश है कि हम भी कोशिश करें कि हम भी अपने को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बच्चे यहाँ पर आए, जो छात्र छात्राएं यहाँ पर आए, उन्हीं के द्वारा आयोजकों पर एक सवाल खड़ा कर दिया गया कि यहाँ पर जो व्यवस्था वो नहीं थी, गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है, पानी सबसे ज्यादा बिखरा हुआ, तो कहीं ना कहीं जो जिन बच्चों को मैसेज कन्वे किया जा रहा है वही सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या सही मैसेज जा रहा है? नहीं नहीं, देखिए बात ये ग्रास रूट पर जहाँ तक देखने का सवाल है, ये प्रदर्शनी के लिए अभी रात प्रदर्शनी आई है, इसके लिए स्थान का चयन होना है, कार्यकर्ताओं को काम करना है, पानी की गंदगी बहने की नहीं बल्कि स्वच्छता का यहाँ वातावरण बनाया गया था, पैरों में अभी रात भर कार्यकर्ताओं ने काम किया है, गर्मी में रह के काम किया है, तो हमें नकारात्मक की जगह सकारात्मक व्यवस्था को भी देखने की आवश्यकता है और हमें ये देखने की आवश्यकता है कि हम जिस महान व्यक्तित्व को लेकर चल रहे हैं उस महान व्यक्तित्व का संदेश ये है कि हमें जल बचाना, गंदगी पैरों से हुई है, या तो हम ये आदेश देते बाहर के जूते बाहर निकाल कर आने हैं, बिल्कुल स्वच्छता का वातावरण रखना है, तो हमें सबको मिलजुल कर इस स्वच्छता को, गंदगी को हटाने के लिए सकारात्मक भी सोचने की आवश्यकता है, सकारात्मक संदेश देने की आवश्यकता भी है और कार्यकर्ताओं के बीच में ये संदेश गया है, बच्चों के बीच में अगर ऐसा संदेश गया है तो उसको हम संशोधित करके अपना सकारात्मक संदेश अभी अगले तीन दिनों में देने का प्रयास करेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।